मैं महेंद्र कुमार आप सभी को आयुष एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है बिहार एक सामान्य परिचय के बारे में। तो आइए पहले देखते हैं बिहार कहाँ पर स्थित है। तो बिहार हम लोग का ये लोकेशन रहा बिहार का, यहाँ पर देखिए ये रहा हम लोग का बिहार, और नेपाल के दक्षिण में स्थित है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। तो बिहार एक सामान्य परिचय की अगर बात करें हम लोग, तो बिहार का आधिकारिक नाम अगर देखें, आधिकारिक नाम तो इसका आधिकारिक नाम बिहार है। आधिकारिक नाम कहने का मतलब हो गया कि ऑफिशियल नेम इसका क्या है, ऑफिस में इसे किस नाम से जाना जाता है, या किसी गजट में भी किस नाम से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका नाम बिहार से प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्राचीन नाम की अगर बात करें हम लोग, प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते थे पूर्व का देश, पूर्व देश या प्राच्य देश, पूर्व देश या प्राच्य देश। मगध काल और गुप्त काल की अगर बात करें हम लोग, मौर्य काल एवं गुप्त काल में अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम हो जाता है मगध, इसका नाम हो जाता है मगध। बिहार में ही बौद्ध धर्म का अत्यधिक विकास होता है, और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बिहार में बिहार जो क्षेत्र है, मगध जो क्षेत्र हुआ करता था, इस क्षेत्र में अत्यधिक विहार बनाए गए थे। विहार क्या होता है, विहार। विहार क्या होता था, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान होता था। बौद्ध भिक्षु अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करके जब शाम को लौटते थे तो वे लोग जहाँ पे ठहरते थे, जहाँ रहते थे, वहीं विहार था। विहारों की अधिकता होने के कारण मगध के क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा, और यहीं 11वीं-12वीं शताब्दी तक आते आते इसी का अभ्रंश नाम पड़ गया बिहार। तो ये रहा सामान्य सा परिचय। बिहार की प्रशासनिक राजधानी की अगर बात करें तो इसकी प्रशासनिक राजधानी है पटना। इसकी प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, पटना। प्रशासनिक राजधानी पटना, यह पटना को बसाया किसने, तो पटना को सबसे पहले पटना की स्थापना किसने किया, तो पटना की स्थापना उदयन ने किया। हर्यक वंश का एक राजा हुआ करता था हर्यक वंश, मगध साम्राज्य में एक वंश था हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका उत्तराधिकारी अजात शत्रु बनता है। अजात शत्रु के बाद एक शासक होता है उदयन। यही उदयन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, पाटलिपुत्र की स्थापना। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया, और अपनी राजधानी हर्यक वंश की राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके, पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह या गिरिब्रज, इसको ट्रांसफर करके बना देता है पाटलिपुत्र को। आगे चल के बिहार का एक शासक बनता है शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी पटना की स्थापना करता है, यानी कि वर्तमान में जो पटना है इसको व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। व्यवस्थित किया कौन, तो शेर शाह सूरी ने। इससे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, यह किया था उदयन ने। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना बिहार की स्थापना कब होती है, तो बिहार की स्थापना की अगर हम लोग बात करें
तो बिहार की स्थापना यहां देख लेते हैं, यहां पर थोड़ा और इसको जूम करते हैं तब पता लग जाएगा। चलिए तो यहां देखते हैं बिहार की स्थापना कब हुआ। तो बिहार जो था एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब अस्तित्व में आता है, तो बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में कब आता है, तो यह अस्तित्व में आता है 1912 ईस्वी में। कब अस्तित्व में आया, 1912 में। यह बिहार जो था पहले बंगाल क्षेत्र में बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। यह 1912 ईस्वी में कब, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में यह अलग होती है। और 22 मार्च को अलग होने के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन बिहार का प्रशासनिक कार्य शुरू होता है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ये यानी कि कह सकते हैं बिहार अपने कार्य काज को कब से शुरू करना किया शुरू किया, तो यह 1 अप्रैल 1912 से करना शुरू कर देता है। तो 1912 ईस्वी को यह अलग होता है किससे, तो बंगाल से। तो बंगाल से जब अलग हुआ बिहार, तो इस समय इसके अंतर्गत वर्तमान के झारखंड और वर्तमान के जो ओडिशा राज्य है यह भी बिहार में आया करते थे। लेकिन यहाँ पर उड़िया भाषा बाद उड़िया भाषी लोगों ने उड़ीसा को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर देते हैं, मांग कर देते हैं। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा राज्य को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, कब, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग प्रांत का दर्जा दे देते हैं। यानी कि यह अलग स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब अस्तित्व में आया, यानी कि बिहार से यह ओडिशा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। उसके बाद बच गया बिहार में कौन, तो बिहार और झारखंड। लेकिन बिहार और झारखंड से फिर से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो जाता है किससे, तो बिहार से। वर्तमान का जो बिहार बचा हुआ है यह केवल यहीं तक सीमित रह गया है। इसके बाद यह तो एक हो गया सामान्य से परिचय, बिहार एक सामान्य परिचय हो गया। बिहार का आधिकारिक नाम क्या है, तो बिहार है। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए बिहार एक परिचय की बात करें तो बिहार का आधिकारिक नाम क्या है, तो बिहार है। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम की बात करें तो पूर्व देश या प्राच्य देश कहते हैं। मौर्य काल या मगध काल, मौर्य काल और मगध काल में इसको किस नाम से जानते थे, मौर्य काल और गुप्त काल में, सॉरी मौर्य काल और गुप्त काल में इसको मगध नाम से जानते थे। उसके बाद यहाँ पर बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया है। हर्यक वंश का एक राजा हुआ करता था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। उसके बाद 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने पटना नगर की स्थापना किया। वर्तमान में बिहार का सबसे बड़ा महानगर की अगर बात करें तो वह है पटना महानगर। यह हो गया एक सामान्य से परिचय बिहार के बारे में। बिहार का अब हम लोग चर्चा करेंगे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे हम लोग उसकी बिहार की चौहद्दी, बिहार की कौन कौन सी जिला किस किस राज्य से सटती है, बिहार की कौन कौन सी जिला नेपाल से सटती है। उसके बाद बिहार का वर्गीकरण देखेंगे, बिहार में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, बिहार के जो क्षेत्र है कहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पर मैदान पाए जाते हैं और कहाँ पर पठार पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।